देखो सो वट इज़ फेगोसाइटोसिस सबसे पहले क्या होता है ब्लड में हमारे न्यूट्रोफिल है तो जो न्यूट्रोफिल है वो ब्लड से टिश्यू में आते हैं एंडोथीलियल सेल के बीच में से और उसके बाद क्या होता है uh, टिश्यू में क्या हो रहा है टिश्यू में जो बैक्टीरिया है बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स कुछ बनते हैं बैक्टीरिया कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करके कुछ ऐसे एजेंट्स बनाते हैं जो न्यूट्रोफिल को एट्रैक्ट करते हैं तो न्यूट्रोफिल इन सभी एजेंट्स के साथ एडियर होके इमोबाइल हो जाते हैं तो अब क्या होता है कि अब जो बैक्टीरिया है वो न्यूट्रोफिल से एडियर हो जाता है तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है उन एंटीबॉडीज़ को कहते हैं ऑप्सोनन्स एंड ये जो ऑप्सोनिनस है वो पूरे बैक्टीरिया को कोट कर देती है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा बैक्टीरिया पूरा कोट हो चुका है वो न्यूट्रोफिल के सेल मेम्ब्रेन पर बाइंड करता है और न्यूट्रोफिल उसकी एंडोसाइटोसिस कर लेता है तो ये पूरा एक जो मेन स्टेप ऑफ एगोसाइटोसिस का ये होता है उसके बाद क्या होता है कि न्यूट्रोफिल के अंदर तो बैक्टीरिया आ गया उसमें न्यूट्रोफिल का लाइजो न्यूट्रोफिल में लाइजोजोमल ग्रैन्यूल सिक्रिएट होंगे विच आर सम समाइडल सब्सटेंसेस वो क्या करेंगे सेल मेम्ब्रेन बाउंड एन ऑक्सीडेस को स्टिम्यूलेट करेंगे विच विल इंक्रीज द ऑक्सीजन अपटेक और जो न्यूट्रोफिल का मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज हो जाएगा इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी बर्स्ट इसमें एन यूज होता है जो कि ऑक्सीजन की अपटेक से सुपर ऑक्साइड रेडिकल बना देता है एंड वो सुपर ऑक्साइड रेडिकल पर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एक्ट करके एज हाइड्रोजन परोक्साइड बनाएगा नाउ हाइड्रोजन परॉक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड रिएक्ट एंड जो कैटलेज एंजाइम है वो हाइड्रोक्साइड एंड बना देगा विचार बैक्टीरियडल उसके बाद क्या होगा लाइजोजोम रिलीज हिस्टमिन एंड सीरीटो सिरोटोनिन विच कॉज इन्फ्लेमेशन एंड देन जो फेगोसिटिक विक्यूल है वो लाइजोजोम के साथ रिएक्ट करके प्रोस्थाग्लैंड और थ्रोम्बोजेन रिलीज करेगा विच विल लिमिट द इन्फ्लेमेशन सो दिस इज़ होल प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस